पहले टेस्ट में शानदार जीत के बाद भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे। 3 बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, क्या होंगे वह बदलाव बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे तो आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को बड़ी आसानी से 3 दिनों के अंदर पारी और 120 रनों से हरा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब दूसरा टेस्ट 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, वहां पर भारतीय टीम अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव के साथ उतरने वाली है। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, जीत के बाद भी होंगे 3 बड़े बदलाव। पहले बदलाव की अगर बात की जाए तो पहला बदलाव होगा ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ काफी शानदार फॉर्म में चल रहे और गिल की जगह भारतीय टीम में दूसरे टेस्ट में ऋतुराज गायकवाड़ को जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरे बदलाव की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे बदलाव के रूप में जयदेव उनादकट की जगह यहां पर मिलेगी नवदीप सैनी को। जी हाँ दोस्तों, नवदीप सैनी काफी अच्छी गेंदबाजी फॉर्म में है, जिसकी वजह से उनका टीम में सिलेक्शन हुआ था और दूसरे टेस्ट में उनको खेलने का भी मौका मिलने वाला है। तीसरे बदलाव की अगर बात की जाए तो शार्दुल ठाकुर की जगह पर मुकेश कुमार को खेलने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों यह थे वह 3 बदलाव जो कि दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी ही आपके साथ क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।